Welcome to Al Hadi Foundation School. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। अल हादी फाउंडेशन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम सफ़ा नंबर 57 पर दी गई सरगर्मी को हल करेंगे, जो कि है निशान लगाइए। निशान लगाइए, दुरुस्त कामों पर टिक और गलत पर क्रॉस का निशान लगाइए। इन तस्वीर में अच्छे शहरी कौन से काम करें तो वो अच्छे बन सकते हैं और कौन से काम एक अच्छे शहरी को नहीं करने चाहिए, जो काम एक अच्छे शहरी के लिए सही हैं उन कामों पर हम दुरुस्त का और जो काम गलत हैं उन पर क्रॉस का निशान लगाएंगे। पहली तस्वीर को देखिए, यहाँ पर आपको ट्रैफिक लाइट्स दिखाई दे रही हैं, यानी जब सुर्ख बत्ती जल रही हो और गाड़ियाँ रुकी हों तो हमें रोड क्रॉस करना चाहिए। ये एक अच्छा काम है, इस पर हम दुरुस्त का निशान लगाएंगे। दूसरी तस्वीर को देखिए, जब गाड़ियां चल रही हों और हम अगर सड़क क्रॉस करें तो एक्सीडेंट होने का खतरा होता है, इसलिए ये एक गलत काम है, यानी हम किसी भी गाड़ी के साथ टकरा सकते हैं। ये एक अच्छे शहरी का काम नहीं है, इसलिए इस तस्वीर के मुताबिक ये गलत काम है, यहाँ पर हम क्रॉस का निशान लगाएंगे इस तस्वीर के ऊपर। अगली तस्वीर को देखिए, यहाँ पर कुछ लड़के खेल रहे हैं और खेलते हुए इनकी आपस में लड़ाई हो गई, ये एक गलत काम है, हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए, यहाँ पर इस तस्वीर के ऊपर हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। अगली तस्वीर को देखिए, इसमें लड़के आपको खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ खुशी खुशी खेल रहे हैं, ये एक अच्छा काम है, यहाँ इस तस्वीर पर हम टिक का निशान लगाएंगे। अगली तस्वीर को देखिए, बस में बच्चे एक ग्रोह की शक्ल में एक दूसरे को धक्का देते हुए ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक गलत काम है, इस तस्वीर के ऊपर हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। अगली तस्वीर को देखिए, यहाँ पर बस खड़ी है, जो वो बच्चे जो जा रहे हैं एक कतार की शक्ल में जा रहे हैं और ये एक बहुत अच्छा काम है, यानी जब हम कतार बनाते हैं तो हमारा काम भी आसानी से हो जाता है और हम किसी भी खतरे का शिकार नहीं होते, इसलिए ये एक अच्छा काम है, इस पर हम टिक का निशान लगाएंगे। इस सरगर्मी में आपको मालूम हुआ कि कुछ काम ऐसे हैं जो हमारे लिए ख़तरनाक हैं और कुछ काम हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। जो काम हमारे लिए अच्छे हैं हमें हमेशा वही करने चाहिए। इस सरगर्मी के मुताबिक हमने ये सीखा कि अच्छे शहरी होने के नाते हमें क्या क्या करना चाहिए, जिसकी वजह से हम एक अच्छे शहरी बन सकते हैं।